दो नई एंटीवायरल दवाइयां कोविड के गंभीर मरीजों पर ट्रायल के दौरान काफी इफेक्टिव रही हैं। इनमें से एक को अमेरिकी कंपनी फाइजर और दूसरी को मर्क एंड कंपनी ने बनाया। दोनों दवाओं पर स्टडी की जा रही है कि क्या ये कोविड का संक्रमण फैलने से रोकती है। दोनों दवाओं में से कौन ज्यादा बेहतर काम करती है? दोनों दवाओं ने ट्रायल के नतीजे जारी किए। इसके मुताबिक फाइजर की दवा ज्यादा इफेक्टिव है। हालांकि दोनों कंपनियों की ओर से अभी पूरा डेटा जारी किया जाना बाकी है। फाइजर ने कहा कि इस दवा के इस्तेमाल के बाद कोरोना मरीज के हॉस्पिटलाइजेशन या फिर मौत की आशंका बहुत कम होती है। 3 दिन के अंदर अगर दवा का इस्तेमाल होता है तो मौत या फिर हॉस्पिटलाइजेशन की आशंका 89% तक कम हो जाती है। वहीं अगर लक्षण आने के 5 दिन के अंदर मरीज को दवा दी जाए तो मौत या फिर हॉस्पिटलाइजेशन की आशंका 85% तक कम हो जाती है। मर्क एंड कंपनी ने अक्टूबर की शुरुआत में अपने ट्रायल के नतीजे जारी किए थे। कंपनी के मुताबिक अगर लक्षण आने के 5 दिन के भीतर उनकी दवा दी जाए तो फिर हॉस्पिटलाइजेशन या फिर मौत की आशंका 50% तक कम हो जाती है। वहीं 3 दिन के भीतर दवा देने पर कितनी इफेक्टिव है इसका डेटा कंपनी ने नहीं दिया था। इन दवाओं को कोई नाम भी दिया गया है क्या? फाइजर की दवा का ब्रांड नेम पैक्सलोविड दिया गया है। वहीं मर्क की एंटीवायरल दवा को ब्रिटेन में अप्रूवल मिल चुका है। वहां इस दवा को लेफगेवेरियो ब्रांड नाम मिला है। ये दोनों दवाएं इतनी अहम क्यों हैं? दुनिया के कई देशों में कोरोना की वैक्सीन लगाई जा रही है जो कोविड से बचाव करती हैं। वहीं जिन लोगों को कोविड हो जाता है उनके इलाज के लिए बहुत कम दवाएं हैं। इस वक्त जिन कोरोना मरीजों को हॉस्पिटल में भर्ती करने की जरूरत पड़ रही है उन्हें एंटीबॉडी ड्रग दिए जा रहे हैं और ऐसे में ये दवाएं बड़ी उम्मीद पैदा करती हैं। दोनों दवाएं कैसे काम करती हैं? दोनों दवाओं के लिए 5 दिन का कोर्स है। फाइजर की पैक्सलोविड 5 दिन तक 3 टैबलेट सुबह और 3 टैबलेट रात को खानी होती है। वहीं मर्क की लेफगेवेरियो 5 दिन तक 4 टैबलेट सुबह और 4 टैबलेट रात को खानी होती है। फाइजर की दवा प्रोटीन इनहिबिटर डिजाइन पर काम करती है। ये इनहिबिटर उन एंजाइम को ब्लॉक कर देते हैं जिनकी मदद से कोविड का वायरस मल्टीप्लाई होता है। फाइजर की ये दवा रेटोनवीर के साथ दी जाती है जो पुराना एंटीवायरल है और प्रोटीन इनहिबिटर के लिए उत्प्रेरक का काम करता है। हालांकि इससे गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल साइड इफेक्ट हो सकता है। मर्क की दवा को रिजबैक बायोथेरेप्यूटिक्स के साथ डेवलप किया गया। ये दवा वायरस में रैंडम म्यूटेशन करती है। इसकी वजह से कोविड के वायरस के लिए खुद को विकसित करना मुश्किल हो जाता है। कितनी सेफ हैं ये दोनों दवाएं? अब तक दोनों कंपनियों ने ट्रायल का पूरा डेटा रिलीज नहीं किया और ऐसे में कोई निश्चित नतीजा नहीं बताया जा सकता। हालांकि दोनों ही कंपनियों ने अपनी दवा को सेफ बताया है। फाइजर ने कहा कि ट्रायल में शामिल केवल 20 लोगों पर दवा का एडवर्स इफेक्ट हुआ। इनमें से ज्यादातर को माइल्ड साइड इफेक्ट हुए। दवा लेने वाले केवल 1.7% लोगों को ही इसके गंभीर साइड इफेक्ट हुए हैं। वहीं मर्क ने कहा उसकी दवा लेने वाले 12% मरीजों में इसके एडवर्स इफेक्ट दिखाई दिए। मर्क की इस क्लास की दवा की जानवरों पर हुई स्टडी में जन्म से जुड़ी परेशानियां देखी गई थी। हालांकि कंपनी ने कहा इंसानों पर हुई स्टडी में इस तरह की कोई परेशानी दिखाई नहीं दी, ना ही कैंसर जैसी बीमारी का साइड इफेक्ट हुआ है। दोनों की सप्लाई की क्या स्थिति है? फाइजर और मर्क दोनों ने कहा वो सभी देशों को दवा उपलब्ध कराने की कोशिश कर रहे हैं। फाइजर इस साल के अंत तक अपनी थेरेपी के 1,80,000 कोर्स का प्रोडक्शन करने की कोशिश में है। वहीं अगले साल कुल 5 करोड़ से ज्यादा कोर्स का प्रोडक्शन करने का टारगेट है। मर्क ने कहा उसे उम्मीद है वो साल के अंत तक 1 करोड़ कोर्स का प्रोडक्शन कर लेगी। वहीं अगले साल 2 करोड़ से ज्यादा कोर्स का प्रोडक्शन करने का टारगेट है। दोनों दवाओं का दाम कितना है? अमेरिकी सरकार कोविड की वैक्सीन के साथ ही कोविड पीड़ितों का इलाज भी मुफ्त कर रही है और ऐसे में अमेरिका में फाइजर की दवा मुफ्त दी जा रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भी कहा उनकी सरकार फाइजर के इस दवा के 10 लाख डोज अपने पास सिक्योर किए हैं। दूसरे देशों के साथ दाम को लेकर फाइजर और मर्क दोनों का नेगोशिएशन चल रहा है। मर्क को कोरोना की दवा सप्लाई करने के लिए अमेरिका ने $1.2 बिलियन का कॉन्ट्रैक्ट दिया।
इस रकम से अमेरिका को दवा के 17 लाख कोर्स की दवा मिलेगी, यानी एक कोर्स का दाम करीब $700 आएगा। वहीं ब्रिटेन ने भी फाइजर की दवा के 2.5 लाख डोज खरीदे हैं, हालांकि ब्रिटेन ने इसके दाम पब्लिक नहीं किए हैं। भारत में भी तो DRDO ने कोविड की दवा बनाई थी, उसका क्या हुआ? 6 महीने पहले DRDO ने एंटी कोविड ड्रग 2DG लॉन्च की थी। ये दवा फार्मा कंपनी डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरी के साथ तैयार की गई, DRDO के इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन एंड एलाइड साइंसेस की लेबोरेटरी में तैयार। ये दवा ग्लूकोज का ही एक सब्स्टिट्यूट है। ये संरचनात्मक रूप से ग्लूकोज की ही तरह है, लेकिन असल में उससे अलग है। ये पाउडर के रूप में है और पानी मिलाकर मरीजों को दी जाती है। कोरोना वायरस अपनी एनर्जी के लिए मरीज के शरीर से ग्लूकोज लेते हैं। ये दवा केवल संक्रमित कोशिकाओं में जमा होती है। कोविड वायरस ग्लूकोज के धोखे में इस दवा का इस्तेमाल करने लगते हैं और इस तरह वायरस को एनर्जी मिलना बंद हो जाती है और उनका वायरल सिंथेसिस रुक जाता है, यानी नए वायरस बनना बंद हो जाते हैं और बाकी वायरस भी मर जाते हैं। तो क्या 2DG सभी मरीजों को दी जा रही है? इस दवा को केवल इमरजेंसी यूज के लिए अप्रूव मिला है। फिलहाल इसका इस्तेमाल अस्पताल में भर्ती मरीजों पर ही हो रहा है। 2DG को बनाने वाली कंपनी डॉक्टर रेड्डीज को दवा का एक्सपांडेड ट्रायल करने का अप्रूवल मिल गया है और ट्रायल के नतीजों के बाद ही तय होगा कि क्या ये दवा ऐसे मरीजों को भी दी जा सकती है जो अस्पतालों में भर्ती नहीं है। स्पेशल डेस्क, टोटल टीवी।